अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत से ऐसे लोग हैं कि वो अपनी बच्चियों का ऐसा नाम रख लेते हैं कि जिस नाम का कोई तर्जमा और कोई मतलब नहीं होता है। आज मैं आपको 10-12 ऐसे नाम बताने जा रहा हूं कि जिन नामों का कोई मतलब और कोई तर्जमा नहीं है, अगर आपने ये नाम रख लिए हैं तो फौरन चेंज करने की कोशिश कीजिए, फौरन तब्दील करने की कोशिश कीजिए। बहुत सी मर्तबा ये होता है कि घर में लड़का हुआ या लड़की हुई तो उसका नाम या तो दादा दादी रख लेते हैं या नाना नानी या फूफो या कोई भी उसका नाम रखता है, तो वह ऐसे नाम तलाश करके लाते हैं कि जिनका तर्जमा कोई होता ही नहीं है। और बहुत सी मर्तबा लोग क्या करते हैं, गूगल पर जा कर के सर्च करते हैं और जो उनको अच्छा नाम लगता है उसको वो रख लेते हैं, ना उसके माना पर गौर करते हैं ना उसके तर्जमे पर गौर करते हैं, और इसी तरीके से बस उनको वो नाम ज़ाहिरी एतबार से बेहतरीन लगता है लेकिन उसके माना और उसके तर्जमे पर गौर व फिक्र नहीं करते। और इसी तरीके से गूगल पर आपको बहुत से नाम ऐसे मिलेंगे कि जिनका तर्जमा गलत बताया जाता है। इसी तरीके से आपको यूट्यूब की दुनिया में भी बहुत से ऐसे नाम मिलेंगे कि जिनका तर्जमा आपको गलत भी बताया जाता है। जब हमने इन 10 नामों को देखा और तलाश किया तो इन नामों का तर्जमा हमें हकीकत से मिला ही नहीं। इन नामों का जब हमने तर्जमा देखा तो ये नाम है ही नहीं। तो जब ये नाम ही नहीं है तो फिर हम अपने बच्चों का ये नाम क्यों रखते हैं? ज़ाहिरी एतबार से आपको दिखने में और इसी तरीके से बोलने में लिखने में बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ नाम बड़ा खूबसूरत है तो हम रख लेते हैं। और बाज़ मरतबा तो होता है कि लोग अपने करीबी मस्जिद के इमाम से आकर के मिलेंगे और कहेंगे कि हमारे घर में लड़की हुई है, कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए। तो इमाम साहब से नाम तो पूछ लेते हैं लेकिन रखेंगे वही कि जो उन्होंने पहले से सोच रखा है, रखेंगे वही नाम जो दादा दादी ने सोच रखा है, रखेंगे वही नाम जो नाना नानी के ने सोच रखा है या नाना नानी के कहने पर ही। तो मेरा अजीज़ों, अगर आपने इन 10 नामों में से कोई नाम रखने की गलती की है तो फिर आप ऐसे नाम न रखिए। और इसी तरीके से जब तक आपको नाम का सही तर्जमा सही मतलब मालूम ना हो जाए तो उस वक़्त तक आप ऐसे नाम न रखें। देखिए, सबसे पहला नाम है अलीना। अलीना बहुत ज़्यादा नाम रखे जाते हैं लेकिन अलीना का कोई तर्जमा और कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से दूसरा नाम है अल्फिया। अल्फिया नाम के माना भी कुछ नज़र नहीं आए। हमने जब इसको तलाश किया, तहकीक की, तो अल्फिया नाम का भी हमें कोई ख़ास मतलब नज़र नहीं आया। इसी तरीके से तीसरा नाम है हमना। ये भी नाम रखते हैं लोग, बड़े अजीब व गरीब तलाश करके लाते, पता नहीं कहाँ से उठा लाते हैं। तो फिर इस नाम का भी कोई तर्जमा और कोई मतलब नहीं है। इसी तरीके से ईशाल। ईशाल भी बहुत ज़्यादा ये नाम रखा जा रहा है और लोग इस नाम को भी रख रहे हैं। इसी तरीके से चौथे नंबर पर जो नाम है वह है ज़ोया। ज़ोया नाम का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई तर्जमा नहीं है। अलबत्त ज़ात के साथ जो ज़ोया आता है उसका माना रोशनी के हैं, लेकिन जो ज़ोया लिखा जाता है ये ज़ाही के साथ, जेड के साथ जो है इंग्लिश में लिखा जाता है, तो ज़ोया इसका कोई मतलब और कोई तर्जमा नहीं है। लोग आपको बड़े अजीब व गरीब इसके तर्जमे बताएंगे, गूगल पर आप जब जाएंगे तो आपको अजीब व गरीब इसके तर्जमे देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको उन तमाम चीज़ों पर एतबार नहीं करना है। अपने मस्जिद के इमाम साहब से या किसी मुफ्ती से या किसी आलिम से राबता कायम रखिए और उनसे जो है नामों का और इसी तरीके से सही नाम और नाम का तर्जमा उनसे मालूम कीजिए ताकि वो किताबों के ज़रिए से देख करके आपको नाम का तर्जमा सही बतला सके, ठीक है। इसी तरीके से एक नाम है इल्ज़ा। ये इल्ज़ा भी बड़ा पता नहीं कब से ये नाम आ चुका है, तो इल्ज़ा नाम का भी कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये नाम अगर आपने रख लिया है तो इस नाम को भी आप फौरी तौर पर चेंज करने की और तब्दील करने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके से जो है अलीज़ा। अलीज़ा का इसका भी कोई मतलब नहीं है, हमने तलाश किया और इसकी तहकीक की, हमें इसका कोई तर्जमा और इसका कोई मतलब मालूम नहीं हुआ। अगर आपने नाम रखा है तो फिर इस नाम को चेंज कीजिए। सहाबियात के नाम पर नाम रखिए, कुरान करीम के अंदर जो नाम आए हैं। इसी तरीके से जो अम्बिया अलैहिस्सलाम की जो बीवियाँ थी, जो नेक थी, ठीक है, तो उनके नामों पर आप नाम रखिए।
ठीक है। इसी तरीके से जो नेक औरतें गुजरी है दुनिया के अंदर उनका नाम रखिए, उनके नाम पर नाम रखिए। इसी तरीके से किताबों के अंदर जो सहाबियात के नाम हमें मिलते हैं उनके नाम पर नाम रखिए। तो कोई अच्छा नाम रखिए, अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना फिर सहाबियात के नाम पर इसी तरीके से नेक औरतों के नाम पर नाम रख लीजिए। ये मत सोचिए कि ये नाम पुराना हो चुका है और लोग रख रहे हैं तो हम एक नया नाम लाए। भाई नया नाम आप आसमान से लाओगे? क्या आप नई किताब लिखोगे? क्या आपके लिए एक नया और यूनिक सा नाम आसमान से उतारा जाएगा? तो मेरा अजीजो इस बात को याद रखिए कि अगर किसी ने रख लिया है तो रख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हरज की बात नहीं है, बस वो तो रखना ही है। तो आप भी अच्छा नाम रखे, आयशा रखे, मरियम रखे, सफिया रखे, ठीक है, जैनब रखे, उम्मे कुलसुम रखे, उम्मे हानी नाम रखे। ये वो सारे नाम हैं जो नेक औरतों के और सहाबियात के नाम थे। तो फिर जब हम ऐसे नाम रखेंगे तो हमारी बच्चियों पर असरात भी अच्छे पड़ेंगे, और जब हम उल्टे सीधे नाम रख लेंगे जिनका कोई तर्जमा नहीं, जिनका कोई मतलब नहीं, तो फिर ऐसे नामों से कोई मतलब भी हासिल नहीं होता है, ठीक है। इसी तरीके से एक है साइका, साइका भी लोग रखते हैं। तो साइका ये कहा जाता है बिजली की कड़क, बिजली की कड़क को साइका कहा जाता है। तो ये नाम भी आप बिल्कुल न रखिए, अच्छा सा नाम तलाश कीजिए। अगर आपको कोई नाम समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह आपको सही नाम और इसी तरीके से बेहतरीन और ख़ूबसूरत नाम बतलाया जाएगा। और मैंने बहुत सी वीडियोस बना रखी है, आप उन तमाम वीडियोस को देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं, तो आपको नामों के ताल्लुक से वीडियोस मिल जाएगी। और इसी तरीके से आप सर्च भी कर सकते हैं कि लड़कियों के खूबसूरत नाम AM अजमेरी, तो भी आपको इंशाल्लाह जो है इस ताल्लुक से वीडियोस मिल जाएगी। इसी तरीके से एक नाम है इकरा। देखिए ये जो लफ्ज़ है ना इकरा, ये सूरत के शुरू का एक जुमला है और ये जुमला इस्म नहीं है, ठीक है, इसको याद समझ लेना है। इकरा ये फेल अम्र है, यानी ये फेल है, एक तरह का इसमें हुक्म पाया जाता है। इकरा पढ़िए आप अपने रब के नाम से, इकरा बिस्म रब्बिकल्लज़ी खलक, आप पढ़िए। तो ये इस्म नहीं है, इस्म कहा जाता है नाम को, ठीक है, और ये फेल है और फेल कहा जाता है काम को। अब जो बच्चों के और जो बच्चियों के जो नाम रखे जाते हैं या बच्चों के जो नाम रखे जाते हैं वो इस्म होता है, तो जब ये अरबी के अंदर इस्म है ही नहीं तो फिर हम ये नाम क्यों रखें। समझने वाली बात है कि भाई जब ये इस्म है ही नहीं, इस्म कहा जाता है नाम को, जब ये नाम ही नहीं है तो फिर हम नाम क्यों रखें। बल्कि तो एक फेल है, यानी एक काम है। काम क्या है? पढ़ने का, पढ़ने का काम कीजिए, यानी आप पढ़िए अपने रब के नाम से। तो फिर ये सूरत का इब्तिदाई जो है जुमला है और ये जो फेल है, तो फेल है, इस्म नहीं है, तो इकरा नाम ना रखा जाए, तो इसकी जगह कोई दूसरा सा अच्छा सा नाम रखने की कोशिश कीजिए। इसी तरीके से अनम, ये नाम पता नहीं कहाँ से चलाया, बड़ा अजीब व गरीब। अभी एक आया था मेरे पास में, उसने पूछा कि अनम नाम का मतलब क्या है, तो मैंने कहा भाई अनम नाम का कोई मतलब नहीं है, इसका कोई तर्जमा नहीं है और ऐसे नाम रखने का कोई फ़ायदा भी नहीं है। बोलने में बड़ा आसान है, लिखने में बड़ा आसान है, और इसी तरीके से ज़ाहरी एतबार से बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि अनम, लेकिन इसका कोई मतलब नज़र नहीं आया, ना इसका कोई तर्जमा है और ना इसका कोई मतलब है। तो आप ऐसे क्यों नाम रखते हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं है? आप ऐसा क्यों नाम रखते हैं कि जिसका कोई तर्जमा नहीं है? नाम वो रखिए कि जिसका तर्जमा अच्छा हो, जिसका तर्जमा हो, जो मानदार लफ्ज़ हो, जो मानदार जुमला हो, वो नाम रखिए। आप तो ऐसे अजीब व गरीब नाम तलाश करके लाते हैं और फिर कमेंट के ज़रिए से भी पूछते हैं कि इस नाम का क्या मतलब है। हम जवाब भी देते हैं कि भाई ऐसे नामों का कोई मतलब नहीं होता है, बल्कि आप अच्छा सा नाम रखने की कोशिश कीजिए। तो आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। इस क्लिप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।